लवली टीचर्स, सो बी एट फर्स्ट सेमेस्टर वालों, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इस टॉपिक से हमेशा 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो चलिए सीखते हैं स्कीमिंग और स्कैनिंग क्या होता है। देखिए स्कीमिंग और स्कैनिंग, स्कीमिंग क्या है? स्कीमिंग इज अ रीडिंग रैपिड टू गेट अ जर्नल ओवरव्यू ऑफ अ मटीरियल। मतलब आप कोई भी आर्टिकल, थ्योरी या एक स्टोरी पढ़ते तो आपको उसका जो जनरल रिव्यू मिलता है उसे कहते हैं स्किमिंग। बट स्कैनिंग क्या है? स्कैनिंग इज़ अ रीडिंग रैपिडली टू फाइंड अ स्पेसिफिक फैक्ट। मतलब आप उसमें कुछ फैक्ट फाइंड आउट करें। चलिए फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग हम वापस जानते हैं, स्किमिंग और स्कैनिंग दो हाईली इफेक्टिव रीडिंग टेक्निक्स हैं जो आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। और उसको क्यों यूज़ करते हैं? बिकॉज उससे जो एक्सट्रैक्ट करते हैं इन्फॉर्मेशन फ्रॉम टेक्स्ट क्विकली, उन दोनों की हेल्प से हम इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक छोटा सा डिफरेंस बनाया जिसे बहुत इजीली हो जाएगा समझने में। ओके, तो डिफरेंस बिटवीन स्किमिंग एंड स्कैनिंग शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है मीनिंग। तो मीनिंग क्या है? स्किमिंग इज़ अ वे ऑफ रीडिंग समथिंग इन फास्ट मैनर सो एज ग्रैप्सपिंग द मेन पॉइंट्स। मतलब ऐसे कंटेंट को रीड करना जिससे हमें मेन पॉइंट का पता चल जाए। और स्कैनिंग का मतलब क्या है? मीनिंग स्कैनिंग मीन्स टू लुक केयरफुल एंड क्विकली एट रिटन मटीरियल सो एज लोकेट समथिंग। स्कैन करते हैं ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जैसे कि हमें मैम ने बोला रहता है क्वेश्चन आंसर फाइंड करो, तो हम कितने जल्दी उस क्वेश्चन के कीवर्ड्स फाइंड करते हैं आंसर्स में, उसे कहते हैं स्कैनिंग। लाइफ एग्जाम्पल। अब सेकेंड पॉइंट चलते हैं मेथड ऑफ रीडिंग। स्किमिंग क्विक है और स्कैनिंग सिलेक्टिव है, क्योंकि हमें इसमें इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करना रहता है। बोथ में इंफॉर्मेशन होता है पर इसमें फैक्ट वाले इंफॉर्मेशन फाउंड करना होता है। इन्वॉल्व, स्किमिंग में क्या इन्वॉल्व होता है? रीडिंग आउट द मैक्सिमम कंटेंट इन मिनिमम टाइम। कम टाइम में मैक्सिमम चीज़ें चाहिए हमें कंटेंट में। स्कैनिंग में फाइंडिंग आउट द रिक्वायर्ड डाटा, जो डाटा पूछा जाएगा उतना ही फाइंड आउट करना है और कुछ नहीं। फोर्थ पॉइंट ऑब्जेक्टिव, टू टेक अ बर्ड आई व्यू फ्रॉ द टेक्स्ट। मतलब आपको बर्ड आई व्यू ऑफ द टेक्स्ट, मतलब आपको बर्ड के आई के जैसे पूरे टेक्स्ट को स्कैन कर लेना है एक ही बार में। स्कैनिंग इसका पार्ट है पर यू स्किमिंग में यूज़ करें, लाइक टू गिव अ ग्लांस, अ क्विक ग्लांस देना, ठीक है। द स्पॉट एंड द कास्ट स्पेसिफिक फैक्ट्स। स्कैनिंग अगर हमें कभी भी बोला जाएगा तो हम कोई फैक्ट्स ही ढूंढेंगे। ओके, अब इन दोनों में सिमिलैरिटी क्या है? सिमिलैरिटी क्या है? द रीडर इज़ नॉट फेमिलियर विद द टेक्स्ट। रीडर को टेक्स्ट के बारे में पहले से नहीं पता होता है पर द रीडर नोज अबाउट ही इज़ सर्चिंग फॉर। मतलब क्या वो ढूंढ रहा है वो पता है रीडर को स्कैनिंग में, स्किमिंग में नहीं पता है। तो यहाँ पे मैंने क्विक फिर से ओवर क्यों बताया है क्या है स्किमिंग। मतलब टू स्किम, टू टेक अ क्विक ग्लांस, स्कैनिंग टू स्कैन, टू लुक फॉर समथिंग। आई होप आपको ये समझ में आया हो। अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी आपको समझ में आया तो प्लीज़ मुझे लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जो टॉपिक पे वीडियो चाहिए प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगी वीडियो बनाने की और अच्छे से एक्सप्लेन करने की। थैंक यू। Bye future teachers.